और अब खबरें विस्तार से। जम्मू से बड़ी खबर है। जम्मू के बटिंडी इलाके में छापेमारी, क्राइम ब्रांच की टीम ने की है छापेमारी। बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला। जम्मू से इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू से खबर यह है कि जम्मू के बटिंडी इलाके में छापेमारी हो रही है, क्राइम ब्रांच की टीम ने की है छापेमारी, बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा है यह मामला। जम्मू से बड़ी खबर, जम्मू के बटिंडी इलाके में छापेमारी, क्राइम ब्रांच की टीम की छापेमारी, पूरा मामला जुड़ा है बैंक धोखाधड़ी से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समीर, हमारे रिपोर्टर। समीर, ये जो छापेमारी चल रही है, इसके ताल्लुक से क्या डिटेल्स हैं? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, यहाँ विधाता नगर में जो ये छापेमारी क्राइम ब्रांच की तरफ से की गई है, इसका ताल्लुक एक फोर्जरी केस से है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे जो सेंटर चला रहे हैं CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर ग्लोबल प्रिंटिंग एंड सर्विसेज, इसको जो चलाते हैं नजारत हुसैन सनाफ मंजूर हुसैन, जो कि मेंडर के हैं बेसिकली, और यहाँ पे दुकान ली हुई है इन्होंने। ये प्रिंटिंग प्रेस जो कंप्यूटर यहाँ पे इन्होंने लगाए हैं, इस कंप्यूटर के जरिए इन्होंने कई ऐसे डॉक्यूमेंट बनाए हैं जो फेक थे, फोर्जरी करके उनको फिर कई लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिन्होंने फिर बैंक से लोन लिया है, फ्रॉड लोन लिए हैं जिसको हम कह सकते हैं। और इसी के चलते ये जो केस है, उसी के कनेक्शन में क्राइम ब्रांच की जो टीम है यहाँ 11 बजे पहुंची, तकरीबन 11 से 11:30, और उसके बाद फिर एक बार दोबारा जब वो चले गए और फिर वापस आए और फिर यहाँ पे पूछताछ की, इन्होंने कंप्यूटर खंगाले जो यहाँ पे इस सेंटर में कंप्यूटर लगे हुए हैं इस सर्विस सेंटर में, उस सर्विस सेंटर्स में इन कंप्यूटर्स को पूरी तरह से खंगाला गया, और ये जो सर्विस सेंटर में जितने भी दस्तावेज थे, जितने भी कई जो फेक दस्तावेज या फोर्जरी करके जो दस्तावेज हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया है। कंप्यूटर के जरिए ये देखा गया है कि क्या फोर्जरी कहां कहां पे हुई है, सारी चीजों को खंगाला गया है, क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो कर उसने किया है। और मैं आपको बता दूं, ये पहले इसी जगह पे ये जो ये सेंटर है, इसी के बगल में जो ये दुकान आपको लग रही है, दिख रही है, जो अभी बंद है, पहले ये यहां पे इनका दुकान चल रही थी, लेकिन 10 दिन पहले ही इन्होंने इस दुकान नए दुकान में शिफ्ट किया है, और जो दुकान के जो मालिक है वो कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हैं, सोपोर के, वो इस दुकान के मालिक हैं सोपोर एरिया से, लेकिन जो चला रहे हैं नजारत हुसैन, ये मेंडर से हैं। ये एक फोर्जरी का स्कैम हुआ है, जिसमें डॉक्यूमेंट जो बैंक से लोन लिए गए हैं, बहुत लोगों को ये डॉक्यूमेंट फेक बना के इस प्रिंटिंग प्रेस से दिए गए हैं, वो इसी कनेक्शन में है। हालांकि क्राइम ब्रांच की टीम अभी भी अंदर इस पे पूछताछ कर रही है, लेकिन क्योंकि हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए ये जो कुल मिला के जो यहां से निकल के सामने आया है कि जो नजारत हुसैन है, उस पर एक इल्जाम है कि उसकी और उसकी जो टीम यहां सर्विस सेंटर में काम करती है, उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं फोर्जरी करके और फिर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लोगों को, जिन्होंने फ्रॉड लोन लिए हैं बैंक को, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके फिर लोन वहां से लिया है, जो कि बिल्कुल ही फेक थे और फोर्जरी करके गए थे और उसमें कोई दम नहीं था, लेकिन उसी के चलते यही एक केस है जिसकी पूछताछ हो रही है, और कई लीड्स यहां से क्राइम ब्रांच को मिलने की तवका है। जो इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग है क्राइम ब्रांच की, वही इसको पड़ताल कर रही है, वही उसकी जांच कर रही है, और यहां से कई लीड्स निकलने का इम्कान है, जो कि आगे इस केस में कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए जो क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल्स हैं उनकी मदद करेगा। तो फिलहाल इनकी ये जो मैं आपको बता दूं, यहां पे जो ये सर्विस सेंटर है, यहां पे पूछताछ दिन भर चलती रही, इसमें डॉक्यूमेंट जिस तरह मैंने कहा, कई दस्तावेजों को जो हमें इतला मिली है सीज किया गया और कंप्यूटर को खंगाला गया, जो कंप्यूटर यहाँ पे चल रहे हैं, तो ये सारी पड़ताल है इसी चक्कर में, इसी कनेक्शन में है कि जो यहाँ पे एक बैंक रिलेटेड जो फ्रॉड केस है, फ्रॉड लोन का केस है, उसी के कनेक्शन में ये है। जी जी,
समीर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और इसके साथ ही अब हम रुख करेंगे अगली खबर का। एक और अहम खबर यह है कि करगिल में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल यानी LAHDC लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट कौंसिल के पांचवें इंतखाबात के सिलसिले में वोटों की गिनती जारी है। अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं। बिम्बट द्रास से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, पदम से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, सुखचे खंगराल से बीजेपी की पद्मा दोरचे ने जीत हासिल की है, पुष्कुम से कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत हाथ लगी है, ताइसरू से भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, रणबीरापुरा सीट पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने कब्जा जमाया है। काउंटिंग के हवाले से 3-tier सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, लद्दाख पुलिस CRPF और फौज की तैनाती की गई है, CCTV कैमरे की निगरानी रखी जा रही है। करगिल में 77.61% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी और 370 की मंसूखी और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये यहां पहले इंतखाबात हैं। 26 हलकों के लिए 50 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो रहा है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इन वोटों से जीतूंगा, ये तो मेरे आवाम का भरोसा मुझ पर था कि इन्होंने मुझे उम्मीद से ज्यादा मुझे चाहा और मेरी पार्टी को लाइक करके इतने वोट से मुझे जिताया, इसके लिए लोगों का थैंक्स। इससे पहले भी आया था तो उस वक्त 42 वोट से मैं आ रहा था, लेकिन इस बार मुझे आवाम ने फिर से मैदान में लाया और मुझे कमियां बना के दिया। आप जानते हो कि मेरे साथ दो बड़ी शख्सियत जो मेरे साथ थी, लेकिन मेरे साथ गरीब आवाम मेरा साथ दे रही थी, तो इन्हीं की बदौलत है कि मुझे आज अल्लाह ताला ने मुझे ये इजाजत हासिल हुआ। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। सांबा के रंजारे इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें मिनी बस और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई है। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, इसमें एक छोटी बच्ची भी शामिल है। सभी घायलों का विजयपुर इमरजेंसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उन्हें वहां दाखिल कराया गया था। विजयपुर हॉस्पिटल ने डॉक्टरों ने घायलों को बेहतर इलाज के लिए GMC जम्मू रेफर कर दिया। पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमास और इसराइल के बीच ताजा तनाव पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, किसी भी हालत में बुरी होती है, उसमें लोगों का नुकसान होता है। कितने मर गए, कितने इजरायली बेगुनाह मर गए, कितने फलस्तीनियन बेगुनाह मर गए। जंग किसी चीज का हल नहीं है। अफसोस यह है, यूनाइटेड नेशन फेल हो गई है। वो पैलेस्टाइन का इतने सालों से, सदियों से किस्सा पड़ा हुआ है और इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं और बेगुनाह लोग उसमें मारे जा रहे हैं। और वहीं इस पर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि कल रात से कई मैसेज मिले हैं, हम काम कर रहे हैं और PMO भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पहले भी कई ऑपरेशन चलाए गए और फंसे हुए लोगों को निकाला गया है। I received many messages last night and through the night we were working, but I'm also aware that Prime Minister's office is directly supervising the situation and we are on the job. Even in the past, many students, including people from Andhra Pradesh, were stuck across. So whether it was Operation Ganga or Vande Bharat, we brought everyone back, and I'm sure Government of India and Prime Minister office is directly in touch with those people and is working and monitoring the situation. जिला रामबन के बादहाल इलाके में एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने की अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी फौज ने बानिहाल से 2 रोजा ट्रैकिंग मुहिम का आगाज किया है। SDM बानिहाल जहीर अब्बास, प्रोजेक्ट मैनेजर MGCPL जसमीत सिंह और CPPL के शमी गांधी ने कारपुरा बानिहाल से मर्द और खातीन पर मुश्तमिल ट्रैकर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फौज के आला अफसर भी मौजूद थे। इस ट्रैकिंग में पहली बार बानिहाल के तालिबात भी हिस्सा ले रही हैं, जबकि ग्रुप में तमाम मकामी ट्रैकर्स शामिल हैं। शुरका में मकामी प्रोफेशनल ट्रैकर्स, असातिज़ा, बौलवी, तलबा और यूट्यूबर्स शामिल हैं। माई नेम इज राधिका रॉय एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ GDC बानिहाल। तो आज हम यहाँ पे आर्मी की तरफ से आए हैं, तो यहाँ पे आने के बाद हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली जो शायद ही हमें पता थी, जैसे कि रॉकिंग, क्लाइंबिंग
जैसे हमने टेंट पिचिंग सीखा, जंगलों में कैसे सर्वाइव करते हैं ये सब सीखा, तो मैं इंडियन आर्मी का थैंक्स करना चाहूंगी जिन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया। थाना इकबाल फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल वानीहा। मैं इंडियन आर्मी और हाईली थैंक यू टू इंडियन आर्मी जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो फिर हमें मौका मिला जंगल में कैंपिंग करने का, हमें ये भी पता चला कि जंगल में कैंपिंग जब करते हैं तो फिर जंगल में सर्वाइव कैसे करते हैं। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, इंशाल्लाह आगे हमें फ्यूचर में इंडियन आर्मी के साथ मौका मिले, आने का नाम मिले, लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी का। लास्ट ईयर भी हमने इंडियन आर्मी की तरफ से किया था और आज भी हमारा ये इंडियन आर्मी की तरफ से अटैक हो रहा है। आज ये हमारा डे फर्स्ट है, तो अभी हम यहाँ मानिहाल की एक अच्छी सी लोकेशन आते आए हैं। यहाँ हमने कुछ एक्टिविटीज़ की लाइक टेंट पिचिंग और किस तरह से अपना रॉक क्लाइंबिंग वगैरह कुछ एक्टिविटीज़ कराई इंडियन आर्मी इन कोलेब्रेशन विद लीफ मंकी हाइकिंग क्लब। मैं थैंक्स करता हूँ इंडियन आर्मी का कि इस टाइप के मौके देते हैं नौजवान लड़कों को ताकि नशे से दूर रहें और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। हमारी यंग सिस्टर्स थी, हमारे ब्रदर्स थे और हमारे इंडियन आर्मी के जो हमारे ऑफिशियल थे वो हमारे साथ थे, तो इसके लिए हमें बहुत से एक्टिविटीज़ सीखने को मिली। हमें जंगल में कैसे चलना है, जब हमें कहीं ट्रैक करना हो तो हमें कैसे चलना है, और जब हमें कहीं निकलना हो तो हमें कौन कौन सी चीज़ें, यानी बहुत सी चीज़ें हमें जैसे पहाड़ी पर चढ़ना हो तो हमें कौन कौन सी यानी किस तरह चलना है, तो इसके लिए मैं इंडियन आर्मी का थैंक्सफुल हूँ। खान आर्मी हमेशा हमें साथ साथ रहती है, चाहे स्कूल का मसला हो, चाहे हमारे सिस्टरों का वो टेलरिंग की वो मशीनें देते हो, और चाहे हमारे नीचे देखेंगे कि यूपीएस बोरीनार में टेंट का काम हो, तो इंडियन आर्मी का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है, और ख़ासकर सीओ साहब के और जो हमारे मैनेजर साहब है यहाँ के जो है और कमांडर साहब और जो हमारे रघु भाई साहब है जो आज के हमारे जो मैनेजर साहब हमारे सुबह से पेश पेश है। तमाम जनता से, तमाम नौजवानों से, बुजुर्गों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आए और इस ट्रैक में हिस्सा बनाए, और ख़ासकर जो हमारे पीर पंचाल के जो ऊपर वाले पहाड़ी आप देख रहे कश्मीर की, और इसको एक्सपोज करे, और एक्सपोज करके कि लोग आए, बाहर से भी आए, जे एंड के से भी आए और आउट ऑफ स्टेट से भी आए और किस खूबसूरती को देखे। और बाकी मैं एक बार इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार। और सीआरपीएफ की ऑल वेमेन मोटरसाइकिल मुहिम 2023 कठुआ पहुंची है। कठुआ में इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। यशस्वनी बाइक रैली श्रीनगर से 3 अक्टूबर को शुरू हुई थी और अब जम्मू के बाद यह रैली कठुआ की हीरानगर पहुंची। रैली का डीआईजी सीआरपीएफ जीसी हीरानगर ने इस्तकबाल किया। इस हवाले से एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। जो यहाँ महिला बाइक रैली आई है ये श्रीनगर से निकली है और इनका मेन संदेश है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कि सभी अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको अच्छा बनाएं और हर क्षेत्र में वो अपने इनकी तरह इनको देख के मोटिवेट हों और आगे बढ़ें। तो ये आज इनका यहाँ एक छोटा सा पड़ाव है, इसके बाद ये आगे जलंधर और अमृतसर होते हुए और 15 राज्यों से गुजरते हुए ये 31 तारीख को एकता नगर गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो बना हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है, वहीं जाके समाप्त होगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच पर। आप देख रहे हैं जेकेएलएच लाइव, मैं हूं विशाल। मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति बैठक में शामिल होंगी। इस बैठक के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार, सत्ता संगठन और आपदा से जुड़े विषयों पर चर्चा हो सकती है। हमीरपुर में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के बीच मुलाकात हुई है। यह मुलाकात शनिवार देर शाम करीब 9:30 बजे हुई विश्राम गृह में हुई, जो करीब 1.5 घंटे चली। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात की।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर दौरे पर हैं, जहां वो ग्राम पंचायत जंगल रोपा में जनता और शाम 5 बजे हमीरपुर जिला मुख्यालय के साथ लगती ग्राम पंचायत दुग्धा में भी जनसंवाद करने वाले हैं। प्रदेश भर में जिला कैडर कर्मचारियों की कलम छोड़ो हड़ताल को 1 हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन सरकार के साथ किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हो पाई है। हड़ताल की वजह से पंचायत के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही लोगों को अपने निजी कामों के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला परिषद पदाधिकारी ने हड़ताल का समर्थन किया है और सरकार से नियुक्त कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की अपील भी की है। बीएसएनएल हिमाचल के चीफ जनरल मैनेजर जसविंदर सिंह सहोता ने नालागढ़ का 1 दिन का दौरा किया, साथ ही बीएसएनएल नालागढ़ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। चीफ जनरल ने कहा कि आने वाले दिनों में बीएसएनएल का प्रदेश में काफी बड़े स्तर पर विस्तार होने जा रहा है, नए टावर्स लगाए जा रहे हैं, जल्द ही 5G की सुविधा भी शुरू की जाएगी और उन्होंने कहा कि हिमाचल के गांव गांव तक वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि कोई भी छात्र ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी कर सके। नाहन विधानसभा क्षेत्र के देवनी पंचायत गांव में लोग पोल्ट्री फार्म खोलने से परेशान हैं। दरअसल पोल्ट्री फार्म खोलने के बाद गांव के आसपास बेहद गंदगी है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में एक पोल्ट्री फार्म पहले से ही है, पर अब एक और बनना शुरू हो गया है, जबकि पंचायत की तरफ से कोई भी NOC अभी तक पोल्ट्री फार्म संचालकों को नहीं दी गई है और अवैध तरीके से यहां पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। एक व्यक्ति नरेंद्र सिंह मोगिनंद का रहने वाला है, वो पोल्ट्री फार्म खोल रहा है। वो घरों के सिर्फ 40-45 मीटर दूरी पर है, जिससे कि वहाँ गांव वासियों को सबको बहुत समस्या खड़ी हो गई है और सबको दुर्गंध आती है। इससे पहले भी एक आशिकली ने वहाँ पर पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है, जिससे सब लोग तंग हैं और वहाँ पर वो मरे गले जो बच्चे होते हैं मुर्गियों के उनको फेंक देता है। इससे स्कूल में आने जाने वाले बच्चों का रास्ता भी उसने बंद कर दिया है और सब गांव वालों मक्खियाँ वगैरह सारी गांव में फैल जाती हैं और गांव वालों का वहाँ रहना दूभर। नाहन के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने शहर में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि शहर के संपर्क मार्गों की हालत सुधारने के लिए जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम PWD, IPH और विद्युत विभाग के साथ संयुक्त बैठक करके काम की रूपरेखा तैयार करेंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सोलंकी ने कहा कि पिछले 4-5 सालों से सड़कें खस्ता हालत में हैं, पिछली सरकार में आए बजट का दुरुपयोग हुआ है। बिलासपुर में शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्राद्ध के अंतिम रविवार के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु यहां पहुंचे और मां के दर्शन और पूजा की। इस दौरान पंजाब की समाज सेवी संस्थाओं की ओर से लंगर लगाए गए थे। शिमला में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की ओर से लगेज फेयर में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि 30 किलो तक के बैग पर अब किराया नहीं लगेगा। इसके साथ ही लैपटॉप, साइकिल, व्हीलचेयर पर भी किराया नहीं लगेगा। बता दें कि अगस्त माह में HRTC ने घरेलू सामान पर किराया लेने का फैसला लिया था। और वहीं HRTC के MD रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि लगेज फेयर में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है और कुछ चीजें पहले भी फ्री में जाती थी और गलत फहमी के चलते कुछ जगह पर टिकट चालान काटे गए थे। पहले 10 किलो तक के बॉक्स फ्री में ले जाए जाते थे, जबकि अब 30 किलो तक के फ्री में ले जाए जा सकते हैं। अगर कोई शख्स खुद यात्रा कर रहा हो या फिर अगर सिर्फ सामान भेजना चाहता है तो उसका किराया देना होगा, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। वही अभी है उसमें हमने जो रिसेंटली बस ये बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें शुरुआत से ही फ्री थी पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी।
बट जैसे कि आप अपने साथ अगर दो लैपटॉप ले जा रहे हैं, दो सूटकेसेस ले जा रहे हैं निजी सामान के, तो वो हमेशा फ्री था और हम फिर से कहना चाहेंगे वो अभी भी फ्री है। बट अगर कोई बदलाव पॉलिसी में हुआ है तो एक छोटा सा बदलाव ज़रूर हुआ है, जिसमें पहले जब आदमी यात्री जब सफ़र करते थे तो अपने साथ वो एक 10 किलो का सेब का डब्बा निशुल्क ले जा सकते थे, परंतु अब वो 20 किलो का सेब की पेटी भी निशुल्क ले जा सकते हैं। ये एक बदलाव है। साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे ऐसी जो सुविधा है, दो तरह की सुविधाएं, एक है जब यात्री अपने साथ सामान ले जाए और दूसरा है जब यात्री आदमी खुद यात्रा नहीं कर रहा हो परंतु HRTC की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को यूज़ कर रहा हो। तो डेफिनेटली ये पूरे दुनिया में ये सिस्टम है कि जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आप खुद नहीं ट्रैवल कर रहे पर कुछ सामान भेज रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि वो एक सर्विस है जो HRTC दे रही है। और वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार जो है, उन्होंने कहा है कि ये सरकार सही नहीं कर रही है, जो पॉलिसी है इसे वापस लिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इस पॉलिसी से लोगों को परेशानी हो रही है और इसमें जहां तक हो सके इस पॉलिसी को वापस लिया जाना चाहिए। और जो कहा है जयराम ठाकुर ने उसके मुताबिक ये जो है ये पॉलिसी वापस लिया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं था। एक और अहम खबर आपको हम दे दें, ये खबर नाहन से है। नाहन विधानसभा क्षेत्र की देवनी पंचायत गांव में लोग पोल्ट्री फार्म खोलने से परेशान है। दरअसल पोल्ट्री फार्म खोलने के बाद गांव के आसपास बेहद गंदगी है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग इसके खिलाफ जो है आवाज उठा रहे हैं। ये खबर हमने आपको दी थी। एक और अहम खबर आपको बता दें कि ये खबर है HRTC पर रिएक्शन को लेकर के, जो उन्होंने कहा था। अब हमीरपुर जिले में BJP की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक की अध्यक्षता हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विक्रम ठाकुर ने की। बैठक का उद्देश्य 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाना रहा है। इस बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। हमारी मीटिंग का बैठक का मुख्य उद्देश्य 2024 में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर सारी सीटों के ऊपर जीते उसकी रणनीति का एक ये हिस्सा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की इस बैठक में हम सब लोग, इसमें जिला हमीरपुर के सब सीनियर मोस्ट लोग इसमें आए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की इस मीटिंग में